नया कमिटी आया है आकाश जी के नेतृत्व में, पूरा बूथ लेवल पे मेहनत करने का और यहाँ कांग्रेस सरकार लाने का काम करेगा। सबसे ज्यादा युवा के साथ जो विश्वासघात करने का काम कोई किया है, बीजेपी ने किया है। वादे के अलावा कुछ नहीं है, इनको पूछना है नाम बदलने से आप लोगों को दिमाग घुमराने के लिए कुछ भी नया नया स्कीम लेके आ रहे हैं। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, सत्ता चलाना नहीं आता। वन नेशन तक आ गया है, वन इलेक्शन तक आ गया। जो इस देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके बारे में बात नहीं करता है। मणिपुर कब जाएगा पूछना चाहिए इनको, तो जाएगा नहीं। मणिपुर इस देश में है, ये चाइना में नहीं है। हाँ, तो इतने बड़ा आप लोग ने इवेंट बना रहे हैं, ये इवेंट ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जनता को समझ में आ गया, कर्नाटक के चुनाव के बाद आने वाले 5 राज्य में इनका जीरो है, इसीलिए सारे नया ड्रामा है, ये नहीं चलेगा। ये जो भारत का नाम चेंज कर दिया गया, इंडिया के नाम चेंज करके बात रखा जा रहा है, देखिए क्यों जरूरत पड़ा लोगों को घुमराने का। ये नया फंडा लेके आया है, 5 राज्य में इनका जमीन खिसक गया है। लोग बीजेपी को उखाड़ के फेंकना चाहता है। कुछ ना कुछ नया जो गब्बर सिंह टैक्स लेके आया, जानलेवा नोटबंदी लेके आया, ये नया है। अच्छे दिन ऐसे ही नया जुड़ा है, इससे कुछ होगा नहीं। जो G20 सबमिट हुआ है, इसको लेके यूथ कांग्रेस क्या चाहते हैं? G20 पता है जो हो गया, मणिपुर कब जाएगा पूछिए आप।